गुड मॉर्निंग क्लास, वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्लास नाइन्थ, चैप्टर नंबर टू, पॉलीनोमियल एक्सरसाइज 2.1। ओके, आज हम लोग इसमें बात करेंगे कि लीनियर पॉलीनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, क्यूबिक पॉलीनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल को कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो क्वेश्चन लिखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन लिखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंशन आर पॉलीनोमियल इज वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। तो क्वेश्चन लिख लेते हैं, इसके बाद बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल और नॉट। फॉलोइंग क्वेश्चंस में से हमें बताना है कि जो पॉलिनोमियल है, हमें जो पॉलिनोमियल गिवन है वो वन वेरिएबल है या नहीं है, और आपको यह भी बताना है कि उसका रीजन क्या है, स्टेट रीजंस योर आंसर। आपके आंसर का क्या रीजन है, आपने ऐसा क्यों कहा कि वो वन वेरिएबल है या नहीं है। तो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट पार्ट क्या है, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, फोर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस सेवन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड पार्ट है वाई स्क्वायर प्लस रूट टू, थर्ड पार्ट इज थ्री रूट टू प्लस टू रूट सेवन। ओके, ये थ्री पार्ट देखेंगे आप इस पूरे इक्वेशन में, ये बता सकते हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये जो पॉलिनोमियल है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि एक्स की पावर टू होने से हमें क्या पता चलता है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू टू, देन वी कैन से दिस पॉलिनोमियल इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये क्या है, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ओके, तो पहले हमने ये फाइंड आउट किया कि ये कौन सा पॉलिनोमियल है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और पूरे इस पॉलिनोमियल में सिर्फ एक्स दिखाई दे रहा है, एक्स दिखाई दे रहा मतलब सिर्फ एक्स होने की वजह से इसे वन वेरिएबल कहते हैं, वन वेरिएबल। ओके, इस वाले इक्वेशन में यहां पर वाई की हाईएस्ट पावर कितनी है, टू है, वाई की पावर टू होने से हमें पता चल गया ये क्वाड्रेटिक है, ये कौन सी इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ये, और यहां सिर्फ वाई प्रेजेंट है और कोई प्रेजेंट नहीं है ना, वेरिएबल का मतलब होता है जो वेरी करे, और यहां सिर्फ वाई प्रेजेंट है इसलिए इसे वन वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, यहां पर इस इक्वेशन को देखो जरा, यहां पर जो वेरिएबल है टी उस पर स्क्वायर रूट लगा हुआ है, अब किसी भी वेरिएबल के ऊपर स्क्वायर रूट होगा तो वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा, उसे हम पॉलिनोमियल नहीं कह सकते। तो क्या लिखेंगे, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि कभी भी एक्स वाई जेड टी इन पर कभी भी स्क्वायर रूट नहीं होना चाहिए, स्क्वायर रूट है इसका मतलब पॉलिनोमियल नहीं होगा। ओके, इसी तरह से एक और क्वेश्चन दिया गया है फोर्थ पार्ट में, वाई प्लस टू अपॉन वाई, अब ये देख सकते हो कि ये वाई जो है वो उसके अपॉन में वन है, तो y के अपॉन में वन है, तो ये न्यूमिनेटर y है, डिनोमिनेटर वन है, बट यहां पर न्यूमिनेटर टू है और डिनोमिनेटर y है, और डिनोमिनेटर में कभी भी नीचे की तरफ डिनोमिनेटर में कभी भी एक्स वाई जेड मीन्स वेरिएबल प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, यदि वेरिएबल प्रेजेंट है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो लिख देंगे दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, नॉट अ, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, और जब पॉलिनोमियल नहीं होगा तो हमें वेरिएबल बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वेरिएबल का मीन्स क्या होता है, जो वेरी करे, और सिर्फ एक्स प्रेजेंट होगा तो वन वेरिएबल, एक्स वाई प्रेजेंट होगा तो टू वेरिएबल, एक्स वाई जेड प्रेजेंट होगा तो थ्री वेरिएबल। ओके, तो क्वेश्चन लास्ट देते हैं, सबसे लास्ट वाले क्वेश्चन में जल्दी समझ में आ जाएगा आपको। क्वेश्चन है एक्स की पावर 10 प्लस वाई की पावर 20 और जेड की पावर 21, ओके, इज इक्वल्स टू पी एक्स,
हमने ये क्वेश्चन ले लिया। देखो जरा यहाँ x भी प्रेजेंट है, x की पावर 10% है, y की पावर 20 और z की पावर 21। यहाँ x, y, z तीनों प्रेजेंट है तो इसे क्या बोलेंगे? थ्री वेरिएबल, क्योंकि यहाँ x, y, z तीनों प्रेजेंट है। बच्चे कहेंगे सर इसको क्या नाम देते हैं, इसे लीनियर कहेंगे, क्वाड्रेटिक कहेंगे, क्यूबिक कहेंगे? इसे हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ पर पावर बहुत बड़ी है। यहाँ x की पावर 10, y की पावर 20, हमने सिर्फ चार पावर पढ़ी है। x की पावर 1 कॉल्ड लीनियर, x की पावर 2 कॉल्ड क्वाड्रेटिक, x की पावर 3 कॉल्ड क्यूबिक और x की पावर 4 कॉल्ड बायक्वाड्रेटिक। जब x की पावर 4 से ज्यादा हो जाएगा, y की पावर 4 से ज्यादा हो जाएगा तो उसको कोई नाम नहीं दिया जाएगा, वो ऐसी पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो इसे हम क्या बोलेंगे? ये पॉलिनोमियल तो है बट ये थ्री वेरिएबल पॉलिनोमियल है। थ्री वेरिएबल मतलब x भी प्रेजेंट है, y प्रेजेंट है और z भी प्रेजेंट है। प्लीज नोट डाउन। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन बोल रहा हूं, लिखे जरा। राइट द कोफिशियंट, राइट द कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर टू में, आपको कोफिशियंट फाइंड करना है, ठीक है ना? चलिए देखते हैं जरा, क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर टू, राइट द कोफिशियंट ऑफ x square, write the coefficient of x square in each of the following। आपको जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें आपको x square का coefficient बताना है। तो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 2 plus x square plus x, सेकेंड पार्ट इज 2 minus x square plus x cube, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। थर्ड पार्ट इज पाई अपॉन 2 प्लस पाई अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस पाई, कुछ इस तरीके से। और फोर्थ पार्ट है आपका रूट 2 एक्स माइनस 1। देखें क्वेश्चन हमसे क्या कहा गया है, बोला गया है कि राइट द कोफिशियंट। कोफिशियंट का मतलब होता है वो डिजिट, वो कांस्टेंट। कोफिशिएंट का मतलब होता है वो कोफिशिएंट हमें फाइंड आउट करना, वो कांस्टेंट टर्म फाइंड करना है जो एक्स स्क्वायर के सामने लिखा होगा। एक्स स्क्वायर डिजिट के सामने जो होगा उसे हम बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर के सामने क्या है? बच्चे कहेंगे सर 2, ऐसा नहीं है। एक्स स्क्वायर के सामने हमेशा 1 है, इसके जस्ट सामने। ऐसा नहीं कि प्लस देखोगे माइनस देखोगे, ऐसा कुछ नहीं। एक्स स्क्वायर के सामने क्या है? प्लस 1, ना कि 2, ऐसा नहीं लिखेंगे। तो लिखेंगे कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 1, ओके प्लस 1। देन यहां पर एक्स स्क्वायर के सामने क्या है? जहां पर कुछ नहीं होता वहां 1 होता है, तो एक्स स्क्वायर के सामने माइनस 1। तो कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1। सेम यहां पर एक्स स्क्वायर के सामने क्या है? पाई बाय 2। यहां पर एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो यहां एक्स स्क्वायर के सामने कुछ भी नहीं होगा, तो जीरो। इसका आंसर क्या आएगा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। नोट डाउन करें सभी लोग। ऑल स्टूडेंट नोट डाउन। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर थर्ड। गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ द बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। बाइनोमियल क्या होता है और मोनोमियल क्या होता है इसको समझे पहले। आपको एक एग्जाम्पल देना है क्वेश्चन नंबर थर्ड में, बाइनोमियल और मोनोमियल, ठीक है? देखें कोई आपको एग्जाम्पल देना है बाइनोमियल में जिसकी पावर कितनी होनी चाहिए? 35। और मोनोमियल में आपको एग्जाम्पल देना है जिसकी पावर कितनी होनी चाहिए? 100 होनी चाहिए। तो पहले ये समझ लो बाइनोमियल और मोनोमियल होता क्या है। देखो जिसमें दो डिजिट्स होंगी, जिस किसी
इक्वेशन में दो डिजिट होंगे, जिस किसी पॉलिनोमियल में दो दो डिजिट डिजिट होंगी उसे मोनोमियल कहते हैं। जैसे 2x+3, इसमें दो डिजिट है तो इसे हम लोग मोनोमियल बाइनोमियल बाइनोमियल कहेंगे। और उसकी पावर कितनी होनी चाहिए? 35। तो एक्स की पावर 35। 35। आप कुछ भी लिख सकते हो, ऐसा और इक्वेशन लिख लो, मैंने कहा 4x की पावर 35+8, आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि आप इसी को लिखो, कोई सा भी एग्जाम्पल ले सकते हो, बस एक्स की पावर 35। मोनोमियल में, मोनोमियल का एग्जाम्पल क्या होता है, जिसमें एक एक ही वैल्यू हो, एक ही डिजिट हो, जैसे कि 4x एक ही डिजिट है, या आप 100 ऐसा कह सकते हो 7y। तो देखो जरा पावर कितनी होनी चाहिए, 100। तो एक्स की पावर 100 लिख दो या वाई की पावर 100 लिख दो, दोनों का आंसर सेम है, लिख दो नोट करें। सर, कर लिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। आपको डिग्री लिखनी है, किसी भी पॉलिनोमियल की देखने के बाद आपको डिग्री लिखनी है। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ लिखें, राइट द डिग्री ऑफ, पॉलिनोमियल हाँ, ईच ऑफ द फॉलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, राइट दी डिग्री डिग्री ऑफ ऑफ ईच ऑफ दी ईच पॉलिनोमियल। फॉलोइंग। ओके, क्वेश्चन है आपके पास 5x³ + 4x² + 7x। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, ये फर्स्ट था, क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका 4 - y² थर्ड है आपके पास 5t - √7 और फोर्थ पार्ट है आपके पास 3 only। देखें डिग्री, डिग्री का मतलब क्या होता है, डिग्री का मीन्स होता है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। जो आपके पास इक्वेशन में वेरिएबल दिया है उसकी हाईएस्ट पावर क्या है। तो इस इक्वेशन में वेरिएबल है एक्स, और एक्स की हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ एक्स की पावर 1 है, यहाँ एक्स की पावर 2 और एक्स की पावर 3, तो हाईएस्ट पावर 3 है, इसलिए इसका डिग्री 3 होगी। इसमें वेरिएबल है वाई, तो वाई की पावर कितनी है, 2, तो डिग्री कितनी होगी, 2। इसमें वेरिएबल क्या है, यहां पर टी है, टी की पावर क्या है, 1, तो डिग्री 1। और यहां पर कोई वेरिएबल प्रेजेंट नहीं है, कोई वेरिएबल प्रेजेंट नहीं है तो इसकी डिग्री कितनी होगी, 0। जब वहां प्रेजेंट ही नहीं है कोई वेरिएबल, और जब कोई वेरिएबल प्रेजेंट नहीं है तो उसे हम कह सकते हैं वो 0 डिग्री है। ओके, नोट करें। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। क्लासिफाई द फॉलोइंग इज अ लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए होंगे, आपको बताने हैं कि उसमें लीनियर कौन से हैं, क्वाड्रेटिक कौन से हैं और क्यूबिक कौन से हैं। जैसे फर्स्ट क्लासिफाई, ठीक है, द फॉलोइंग, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर लीनियर क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक और क्यूबिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स। क्वेश्चन है आपके पास फर्स्ट x² + x, सेकेंड है एक्स माइनस एक्स एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब थर्ड है आपके पास वाई प्लस वाई वाई प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर प्लस प्लस 4। इतने देखो, फोर। चलिए देखें, इसमें एक्स की हाईएस्ट पावर 2 है, एक्स की हाईएस्ट पावर 2 है, इसलिए इसकी जो वैल्यू होगी वो डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री तो है इसकी टू 2, और 2 डिग्री को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक इसमें एक्स की हाईएस्ट पावर 3 है, कितनी, तो डिग्री क्यूबिक कितनी हो गई, ठीक तीन थ्री है, क्यूबिक और 3 को हम क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलीनोमियल। ओके, और इसमें एक्स वाई की पावर कितनी है, 2, तो डिग्री कितनी है टू इसकी, 2, टू तो क्वाड्रेटिक इसे हम क्वाड्रेटिक कहते हैं, क्वाड्रेटिक ठीक है। यस सर। चलिए नोट कर लीजिए फटाफट।
आज की क्लास में बस इतना ही, होमवर्क आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा, ये एक्सरसाइज पूरी की पूरी आपको सॉल्व करके ले आनी है। यस सर, होमवर्क क्या है? पूरी एक्सरसाइज को कंप्लीट करें फेयर कॉपी में। यस सर।